क्या ब्लैक होल भी मरता है? इस दुनिया में हर चीज फानी है, हद तक कि हमारा अपना सूरज एक दिन नेजे के फासले पे आके ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या ब्लैक होल जो हर चीज को निकल जाते हैं, बड़े से बड़ा सितारा, डस्ट क्लाउड्स और हत्ता के शाबे साकिब तक उससे नहीं बच सकते, क्या वो भी कोई मरता है? हेलो साइंसदानों, सो ये एपिसोड आपकी रेगुलर फिजिक्स से थोड़ा सा हटके है, तो हैरान नहीं होना। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल भी इवेपोरेट होता है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे पानी इवेपोरेट होता है वैसे ब्लैक होल इवेपोरेट होता है। आज तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ब्लैक होल में एक बार कुछ चला जाए तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम इस तरह की और वीडियोस बना सकें। अब ब्लैक होल के बारे में तो सबने सुना होगा, हाल ही में ये तस्वीर भी देखी होगी। ये तस्वीर दुनिया के कोने कोने में टेलीस्कोप्स लगा के ली गई है। अब ये तस्वीर कैसे ली गई और इसके लिए कितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, ये हम आपको अगले किसी एपिसोड में बताएंगे। ब्लैक होल कायनात के ऐसे इलाके हैं जिनके मास इतने डेंस हैं कि वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती, यानी जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। अब ब्लैक होल्स दो चीजों से बने होते हैं, एक उसकी डेंस मैसिव सेंटर कोर जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, और एक उसके इर्द गिर्द का बॉर्डर जिसको कहते हैं इवेंट होराइजन। अब ये इवेंट होराइजन एक ऐसा बॉर्डर है जिसके पार एक बार आप चले जाएं तो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें अभी तक ये पता नहीं लग सका कि इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी के बीच में आखिर है क्या, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। अगर लाइट नहीं आ सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं आ सकती, तो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से टोटल इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट। लेकिन अब साइंसदानों में बहस छिड़ गई है कि इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल से निकल सकती है लेकिन किसी और फॉर्म में। जी हाँ, हॉकिंग रेडिएशन। अब ये वही हॉकिंग रेडिएशन है जिसको स्टीफन हॉकिंग साहब ने दरियाफ्त किया था, जो कि अभी रिसेंटली इस दुनिया से चले गए। इसके मुताबिक क्लासिकल फिजिक्स को चैलेंज करते हुए हॉकिंग कहते हैं कि ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन बल्कि मास भी ब्लैक होल से निकल सकता है। सो टेक्निकली अगर एक ब्लैक होल कॉन्स्टेंटली मास नहीं निकल रहा तो वो इवेंचुअली मास लूज करके इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन कैसे? हॉकिंग के मुताबिक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होता है। तो अगर एक ब्लैक होल कॉन्स्टेंटली मास निकल नहीं रहा, मास इंजेस्ट नहीं कर रहा, सो वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होते होते गायब हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन्फॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इवेंट होराइजन पार करके सिंगुलैरिटी में गिरी थी, और ये वही चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वापस आ रही है। अब ये फिनोमेना इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक कायनात में हर वक्त हर जगह वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा और ख़त्म हो रहे होते हैं, और ये काम जोड़ों में होता है, मतलब एक साथ दो पार्टिकल्स पैदा होते हैं और फिर वो आपस में टकरा कर एनाइलेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अब आई नो इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ रहे। अभी इस वक्त ये वीडियो देखते हुए भी आपके इर्द गिर्द पार्टिकल्स पैदा और ख़त्म हो रहे हैं, इस अमर को कहते हैं एनाइलेशन। अब इमेजिन करें यही प्रोसेस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एन ऊपर हो रहा हो, तो एक पार्टिकल पैदा होते साथ ही अंदर चला जाएगा, जो दूसरा पार्टिकल है वो इवेंट होराइजन के इस पार है तो उसको अब एक रियल पार्टिकल बनना होगा, क्योंकि उसका दूसरा पार्टिकल जिसके साथ टकरा कर उसने ख़त्म होना था वो अंदर चला गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर एक पार्टिकल को पॉजिटिव एनर्जी मिली तो वो पार्टिकल जो इवेंट होराइजन के अंदर गया है उसको एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसकी वजह से ब्लैक होल की ओवरऑल एनर्जी में एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा वो एक फोटोन की शक्ल में ब्लैक होल से बाहर आ जाएगा जिसका एक स्पेसिफिक मास और चार्ज होगा। अब चूंकि ये प्रोसेस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के साथ हो रहा होता है तो एक साइजेबल मास ब्लैक होल के अंदर जाता है, फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में बाहर आ जाता है। ये अमर जब बार बार रिपीट होता है तो ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता अपना मास लूज करना शुरू कर देता है, और इसी दौरान अगर वो और मास इंजेस्ट नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते मास की वजह से वो खत्म हो जाता है। अब जब ब्लैक होल खत्म होता है या ब्लैक होल मरता है, मरने से पहले ब्लैक होल का जो आखिरी काम होता है वो ये कि वो एक गैमा रेज का सिग्नल छोड़ देता है। आजकल इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स पे रिसर्च चली और आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रूफ्स मिलते गए, अब इस थ्योरी पे भी रिसर्च चल रही है और इसके प्रूफ के लिए साइंसदान वो गैमा रे रेडिएशन के सिग्नल को तलाश कर रहे हैं। इसी कोशिश में लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जहाँ डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर उसको स्टडी किया जाता है, जहाँ हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में भी आपने सुना होगा, आजकल वहाँ इस पर रिसर्च चल रही है
और साइंसदान इस काम में लगे हुए हैं कि माइक्रो ब्लैक होल्स पैदा करके और ख़त्म करके उन पर रिसर्च की जाए ताकि उस गामा रे सिग्नल्स का पता लगाया जा सके। अगर आप इस जैसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको फौरन मौसूल हो जाए। दिस इज उमर जान फ्रॉम देसी साइंस, अगली वीडियो में मिलते हैं।